तो क्या हम एक पेन की मदद से बना सकते हैं हाइलाइटर पेन? हाँ, वो भी इसी स्केच पेन की मदद से। और मैंने आज ये ट्राई करा और ये 100% वर्क करता है। और एक कमाल का ग्रिटर पेन, आप हम कह सकते हैं हाइलाइटर पेन बन के रेडी हो चुका था। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, नॉर्मल वाटर जो होता है वो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। और हमें कलर चाहिए, और लास्ट में आप जरूर देखना कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसे यूज़ अलग तरीके से करना है। तो मैं किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। अब मैंने येलो कलर को जो होता है नॉर्मल हमारे वाटर कलर, उनको पानी में मिला दिया है और फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे। वाटर कलर को वाटर में मिला दिए, देखो। तो अब मैंने इसे फटाफट से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐसा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना कि पानी ज़्यादा मत ले लेना, मतलब थोड़ा कलर भी ज़्यादा लेना अगर पानी ज़्यादा लोगे तो। अब हमें क्या करना है, एक स्केच पेन की पीछे की साइड से मैंने खोल लिया है और इसके अंदर ऐसे येलो इंक निकलती है उसे फेंक देंगे, और ये जो आगे की तरफ से इसका जो येलो स्केच पेन होता है इसको भी निकाल लेंगे, जो अंदर की निप होती है ये देखो, इसको भी फेंक देना है। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ डालनी है। क्या डालनी है मैं बता देता हूँ आपको। हमें चाहिए एक ईयरबड जो होते हैं, ईयरबड्स जो हम साफ करते हैं वो चाहिए हमें, और उन्हें डाल देना है इसके अंदर। थोड़ा वो मैंने छोटा सा ईयरबड लिया है, उसको अंदर से डाल दिया है। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दोबारा से पेस्ट डालना है। पेस्ट किस तरीके से डालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से हमारा हाइलाइटर पेन बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको इसके अंदर डुबा लूँगा और फिर इसे दोबारा हमें पीछे की साइड से खोल लेना है। खोलने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया था ये थोड़ा सा पेस्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये इसकी इंक की तरह काम करेगा और अच्छी तरीके से इसे कवर कर देगा। तो देख सकते हैं मैंने फटाफट से इसको इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद ये देखिए मैंने एक पेन में लिख, पेन की मदद से मतलब फटाफट से कॉपी में लिख दिया है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से हाईलाइट कर रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिप करा उस वाटर में, डिप करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने इंक डाल ली है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एक बार इसके दोबारा ऊपर की साइड भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से वर्ड को हाईलाइट कर देता है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क को हाईलाइट कर देता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।